भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय। ख्याति तुम बताओ? मैं ठीक हूँ। तो आज हम क्या विषय पे पुलियाबाजी करने वाले हैं? आज हम लोग उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है कि किस तरीके से आजादी के बाद एक कंजर्वेटिव या लिबरल, वो तो गेस्ट से पूछेंगे कि क्या उसके लिए परिभाषा दी जाए, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो ऑपोजिशन में सरकार के खिलाफ थी और उनके विचारधारा काफी अलग थी कंपेयर टू जो नॉर्म था उस वक्त, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग का ये हमेशा एक विषय तो चलता ही रहता है कि आर्थिक विचार कैसे थे भारत में और क्या उसका इतिहास रहा है, तो उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है स्वतंत्र पार्टी, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जाएंगे। और उसी पार्टी के ऊपर एक बहुत शानदार किताब आई है, टूवर्ड अ फ्री इकोनॉमी, जिसके लेखक है आदित्य बालसुब्रमण्यम, और आदित्य सीनियर लेक्चरर है हिस्ट्री के ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ये किताब हालिया लिखी है और हम लोगों ने किताब पढ़ी और बहुत ही दिलचस्प लगी, तो हम लोगों को लगा आदित्य को बुलाना चाहिए और समझना चाहिए स्वतंत्र पार्टी थी क्या, कैसे उसका उद्गम हुआ और कैसे उसका फिर रास भी हुआ। तो आदित्य बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ग्रेट टू बी हियर। ठीक है आदित्य, तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पहले तो आपको इस विषय में रुचि कैसे आई कि क्यों आप एएनयू में ये क्यों पढ़ना चाहते थे कि स्वतंत्र पार्टी कैसे? नहीं, उससे पहले मैं US में था और हमारे अपने समर वेकेशन में हर साल इंडिया आ रहा था अपने परिवार के साथ, तो हमें से जो पीढ़ी 1990 दशक में बड़ी हुई उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एक प्रमुख घटना थी। सो मुझे ऐसे उदारीकरण, लोकाचार के सामाजिक समावेश के लंबे इतिहास में दिलचस्पी हो गई, जो मुझे 1990 के दशक से बहुत पीछे ले गया और वास्तव में नेहरूवादी भारत के उत्कर्ष के दिनों में। जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो इसके ऊपर लिटरेचर आपको आसानी से मिला कि आप, मतलब क्या क्या सोर्सेस थे आपको ये जानने के लिए? हाँ, लिटरेचर तो बहुत कम है, वही तो बात ही, और मेनली ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो लिखते हैं ना, काफी दैट वाज ऑल दैट आई वाज एबल टू फाइंड रियली। तो आई मीन वी हैव ऑफ कोर्स रामचंद्र गुहास इंडिया आफ्टर गांधी और सुनील किलनानी का आइडिया ऑफ इंडिया, मगर ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इन किताबों में इकोनॉमी के ऊपर हम ज्यादा पढ़ सकते हैं ना। तो इट वाज एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू काइंड ऑफ फोर्ज सम काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इकोनॉमिक हिस्ट्री that kind of motivated me. So I basically, you know, had to read a lot of primary sources. So ye jo Nehru Library in Delhi mein aur National Archives mein, ye jo private papers jo hote na, to maine bahut consult kiya usko, aur especially papers of Siraj Gopalachari aur K.M. Munshi, aur uske alawa there was a lot of printed published material which I think we've forgotten about, but lots of journals, newspapers, magazines, print culture, ये जो हम कह सकते हैं, बुला सकते हैं उसको, मैंने बहुत पढ़ा, and to understand in journals के बीच में कौन कौन सी relations थे वगैरह, so that you could kind of put together some kind of political project or understand the political project that's taking place. मीनू मसानी जी की किताबें भी हैं ना, उन्होंने तो काफी लिखा हुआ है। मैं हाँ तो स्वतंत्र पार्टी को मीनू मसानी के नाम से ज्यादा आइडेंटिफाई करता था हमेशा, तो हाँ जी हाँ जी, उन्होंने तो किताबें भी इस पे काफी लिखी हुई थी। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने बहुत 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 कुछ लिखा, और वन ऑफ द अदर थिंग्स वाज टू लुक एट द प्रिंटेड मटेरियल्स दैट अ नंबर ऑफ दीस कैरेक्टर्स इन द बुक हैड पब्लिश्ड। सो फॉर एग्जांपल 1940 में मीनू मसानी ने एक इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस बुक लिखा था, आवर इंडिया, और उसके बाद बॉम्बे प्लान के ऊपर ही रोट अनदर बुक कॉल्ड पिक्चर ऑफ अ प्लान और फिर आवर ग्रोइंग ह्यूमन फैमिली। तो वो बहुत ही प्रोलिफिक ऑथर था और लेखक था, और
उस टाइम पे 1940s में वो when moved from kind of socialist to more kind of sympathetic to the United States, UK, you know, capitalist industrialization, right? तो उन्होंने बहुत लिखा, सी राजगोपालाचारी ने बहुत लिखा, तो शॉर्ट स्टोरीज मैंने पढ़ा, एन जी रंगा अनदर लीडर, वो भी बहुत प्रोलिफिक था, मेरे ख्याल से आई थिंक 40 या 50 किताब लिखा उन्होंने, अच्छा, अंग्रेज और तेलुगु में जी, इकोनॉमिक सर्वे स्टडीज, मैनिफेस्टोस, प्लान्स फॉर पॉपुलर एजुकेशन, सब कुछ. नो आई एम ग्रेटफुल दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि आई कुड से दैट चार काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आई लुक्ड एट, एक ये जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स ये जो मैंने नेहरू लाइब्रेरी और दूसरी जगहों में देखा, दूसरी जो पब्लिश्ड प्रिंटेड मटीरियल्स ऑफ काइंड ऑफ जर्नल्स मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स, तीसरी जो वर्क्स ऑफ द ऑथर्स दैट बिकेम पार्ट ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी देमसेल्व्स, एंड चौथी जो पब्लिश्ड गवर्नमेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनसे हम देख सकते हैं व्हाट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स ये सब. और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फाइल्स डिजिटाइज किया. तो आदित्य, थोड़ा सा हमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए ना, कि उस समय कौन सी अलग विचारधाराएं चल रही थी, और भारत में, जब भारत तो सिर्फ अभी तो आजाद हुआ था और डोमिनेंट पार्टी तो कांग्रेस थी, उसके साथ ऑपोजिशन पार्टी का क्या हाल था, क्या कोई विचारधारा के रूप में क्या ऑपोजिशन पार्टीज या विचारधाराएं उभर कर आ रही थी उस समय, थोड़ा उसके बारे में एक आइडिया देंगे तो फिर हम और बात कर सकते हैं. और मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ दूं इसमें, हमको हमेशा लगता था कि सभी पार्टी सोशलिस्ट थी, अलग अलग वर्जन ऑफ सोशलिज्म था, लेकिन इस किताब में स्वतंत्रता पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो काफी प्रत्यक्ष रूप से सोशलिस्ट नहीं थी और सोशलिज्म के खिलाफ थी, तो ये कैसे आया, मतलब ये आइडिया तो बहुत ही दे वर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और द ओवरटन विंडो सो टू से, तो कैसे हो गया ये? बहुत ही बड़ा प्रश्न है, मगर इसका पर्याप्त रूप से समाधान करने का प्रयास करूंगा. तो भारत में समाजवादी विचारधारा की कई किस्में थी, इनमें लोहिया जैसे क्षेत्रीय ब्रांड से लेकर अशोक मेहता जैसे लोगों की विचारधारा, साम्यवाद, आरएसएस के हिंदुत्व विचारधारा आदि शामिल हैं. प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी, और निश्चित रूप से आपके पास क्षेत्रीय आंदोलन थे जो एक साथ आ रहे थे, लेकिन अभी तक खुद को मजबूत क्षेत्रीय दलों के रूप में प्रकट नहीं कर पाई थी. इसी माहौल में स्वतंत्रता की स्थापना हुई है, एंड ये स्वतंत्रता बड़ी अलग था, क्योंकि इवन इस टाइम पे भारतीय जनसंघ, अगर आप पार्टी डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो उस टाइम की 1950s की, वहां भी सोशलिज्म का डिस्कोर्स था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक आई ऑल्सो मैंने दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर काम भी किया है, यू नो, ये इवन इफ इट वॉज नॉट you know, mainline socialists, at least specifically in terms of the electoral politics, there was that kind of acknowledgement declaration, or even though the sort of private policy articulations or visions may have been slightly different around small trader and labor intensive kind of industrialization. Now, aapki dusri sawal thi, ye, you know, ye thi ki swatantra, स्वतंत्रता के इमर्जेंस कैसा हुआ इस लैंडस्केप में. और ये मैं बताऊंगा कि हमको ये देखना, सोचना है कि और अंडरस्टैंड करना है कि इस टाइम पे कांग्रेस एक बहुत ही बिग टेंट पार्टी थी, राइट, और अभी भी अम्ब्रेला पार्टी, और उसके अंदर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे. ठीक है, तो नेहरू का था वो जो डोमिनेंट सोशलिस्टिक प्लान्ड सोसाइटी की काइंड ऑफ ग्रुप और थी, बट देयर वाज आल्सो द साइड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरदार पटेल, राइट, और बट ही डाइज इन 1950, एंड देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ लैंडेड इंटरेस्ट एक्सेट्रा हु आर नॉट एबल टू मे बी लेवी काइंड ऑफ ह्यूज पुट दिस वे, दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ manifest themselves in terms of the policy articulation of the party.
मगर नंबर्स में बहुत दे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू ऑल्सो हैव यू नो सम एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द कांग्रेस राइट सो कांग्रेस के अंदर ही टेंशन्स हैं What is different about Swatantra is that rather than those contentions, that contention being kind of contained within the Congress, instead of choosing to protest from within, right? Congress ke bahar jaake, they found a new party. ये आए कांग्रेस से बेसिकली ज्यादातर लोगों जो कि सब थे एक्सेप्ट फॉर इनफैक्ट आप बोल सकते हैं जनसंघ वगैरह वाले लोग इतने नहीं थे कांग्रेस में पर जैसे हिंदू महासभा और कांग्रेस में भी काफी लोग कॉमन मेंबरशिप के हुआ ही करते थे उस समय तो ऐसा नहीं था कि वो राइट विंग वगैरह नहीं थे तो लेकिन जो प्रणय ने एक सवाल पूछा ना वो मैं फिर से मतलब वो बहुत ही मुझे फैसिनेटिंग मुझे लगा कि उसका आंसर नहीं हम पहुंचे कि आज भी इंडिया में आज के इंडिया में कोई कैपिटलिस्टिक पार्टी नहीं एक भी नहीं है जीरो ठीक है कोई पार्टी ये नहीं बोलती कि सोशलिज्म जो है वो एक अच्छा तरीका नहीं है सोसाइटी को इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का लिबरलाइजेशन हो गया है तो सब ये नहीं कहते कि सब कुछ सरकार का होना चाहिए वो अब कोई नहीं बोलता वो भी कोई नहीं बोलता लेकिन एक ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में एक कॉमन कंसेंसस है उसमें थोड़ा 19-20 लोग करते रहते हैं कोई बोलेगा मैं 1 लाख इधर से देना चाहता हूँ दूसरा बोलेगा नहीं मैं ऐसे देना चाहता हूँ ठीक है तो थोड़ा इसी तरीके का है लेकिन ये कि हम मार्केट में बिलीव करते हैं और मार्केट को मजबूत करना चाहते हैं इस तरीके की थिंकिंग जो है वो जब आज इतना मुश्किल है वो अगर एक मेजर पार्टी हिंदुस्तान के इंसेप्शन के टाइम पे ही बन गई ये एक तो कैसे हो गया ये क्यों क्योंकि बस एक कोई 2-4 लोग थे इस तरीके के इसलिए हो गया या अगर लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जमीन से थी तो वो कैसे फिर गायब हो गई मगर बात यह है कि वो स्वतंत्र की कॉन्स्टिट्यूशन जमीन से नहीं थी राइट हाँ, वही अच्छा, तो दिक्कत की बात है और हम आई थिंक बाद में थोड़ा और इस चीज के बाद हम बोल सकते हैं कि फ्री मार्केट पार्टी को वोट पाना है ना कोएलिशन तो सोशल या रिलीजियस कंजर्वेटिव्स या सोशल लिबरल्स हुएवर उन लोगों के साथ जोड़ना है राइट और स्वतंत्रता के टाइम पे वो जमींदार लोगों और यू नो प्रिंसली लोगों के साथ जोड़ते थे सो इवन दो दैट इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्वतंत्र एज अ सम टोटल एज आई आर्ग्यू इन द बुक द आइडियोलॉजी इज बीइंग ड्रिवन बाय अदर कम्युनिटीज हु आर एक्चुअली और लीडर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज हु आर ट्रांजिशनिंग टू कैपिटलिस्ट एक्टिविटी बट इन ऑर्डर टू गेट द सीट्स दैट दे डू गेट दिस इज अ डिफिकल्ट आइडियोलॉजी टू पैकेज इन द 1950s इन इंडिया नाउ आई वुड आर्ग्यू दैट एक्चुअली यू हैव मोर कंस्टिट्यूएंसीज फॉर दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी इन टुडेज टाइम्स But again, you have, I suppose, in the electoral landscape that we face, which is again a renewed one-party dominance, and the fact that the people who you know speak of this kind of a politics are not really networked into the groups of people who can get them votes, right? I think that's where the challenge tends to arise. And similarly, the coalition that you would readily forge, so for example, the United States, right? It's the religious conservatives that are coming together with the, you know, the sort of free market economists, right? This is the work of Melinda Cooper and others. And in the UK, it's the social conservatives along with economic liberals or conservatives, depending on, I mean, there it's more liberal is probably the better terminology to use. They're forming a coalition, right? So, yahan pe to I think that constituency is not one that would necessarily readily form a coalition with you know the your kind of free market type of actors. And it seems to me that you know again I'm more comfortable in the past than in the present. But mujhe lag raha hai ki the coalition that one would have to assemble right would have to be one. Of a group of, I would say, rising middle classes, right, who are not necessarily politically active. So it's also a question of bringing them into politics. And, you know, that's something that is a, you know, for these sorts of, you know, groups, when we think about where free market parties have been successful, in the absence of a, you know, vote bank constituency, that's a difficult thing to do. Isme, Aditya, I want मुझे थोड़ा सा इस पे फॉलो अप पूछना चाहती हूँ क्योंकि जैसे आपने और सौरभ ने दोनों ने फिलहाल तो यूज किया शब्द फ्री मार्केट बट आप
जो आपकी किताब का नाम है फ्री इकोनॉमी, एंड आप ये डिस्टिंक्शन खास करके ड्रॉ करते हो, व्हाट डू यू, जब ये स्वतंत्र पार्टी फ्री इकोनॉमी से क्या वो मीन करते थे इससे, तो थोड़ा सा ये डिस्टिंक्शन क्या है कि फ्री इकोनॉमी क्या है वर्सेस फ्री मार्केट क्या है, क्योंकि उनका कंसेप्शन शायद फ्री मार्केट से थोड़ा अलग था। जी जी जी, और आई सपोज एक और शब्द इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि वो लिबर्टेरियन, राइट। हाँ, तो ये इन चीजों में हम थोड़ा बात कर सकते हैं, आई थिंक। और आई सपोज एक और शब्द भी है, नियो लिबरलिज्म, बट why don't we sort of keep it to these three? So I'll kind of give an origin story of where this language comes from, right? So 1947 mein Bombay mein ek udharvadi samajik sansthan ki shuruaat thi hui, ise Kusum aur Ranchodas Lotwala dwara shuru kiya gaya, jo ek akarshak parivar hai jo Halai Lohna Jadi se aata hai। वे आटा मिल के मालिक हैं और अपने मुनाफे का उपयोग अपने जीवन की विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते थे। रणछोड़दास पितृपुरुष मूल रूप से साम्यवाद से लेकर आर्य समाज तक साम्राज्य विरोधी कारणों की एक श्रृंखला के बारे में विचारों का प्रसार करने में रुचि रखते थे, लेकिन अपने बाद के वर्षों में वो भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यवाद के बारे में चिंतित हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट्स के विचारों और अमेरिका से आने वाले एनार्किस्ट इंडिविजुअलिस्ट विचारों में रुचि लेने लगे। और वह तब तक काफी बूढ़े थे और सो उसकी बेटी कुसुम ने शी बेसिकली काइंड ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स फ्रॉम ओवरसीज एंड ब्रॉट देम टू इंडिया एंड डेवलप्ड अ काइंड ऑफ इंडियन डिस्कोर्स अराउंड व्हाट दे कॉल्ड Indian libertarianism, right? And I suppose the sort of various points that we could identify about this Indian libertarian way of kind of thought, right? So ek cheez jo hai kind of decentralized economic activity, dusri cheez minimal intervention by the state, right? In the Indian context of libertarianism, use of private sector led agricultural or private agricultural cooperatives, right? And so it's a kind of agrarian smallholder type kind of system, and it is reacting to statist planned economy, right? Now we can only understand it as relative to what, right? So in the original conception, it is in this genealogy I have just drawn, this is called libertarian, but as it kind of spreads, right? Like anything, different people have their own visions and ideas. You know, regional, you go to a place like Gujarat, you'll start to see different projects, like Amul, for example, that can be broadly classified as against socialist planned economy. But and I suppose in that respect, they use the term free economy, right? So this is socialist planned economy is the kind of hegemonic a set of ideas and policies, and ours is free economy, right? But the positive content of free economy, I would say, are kind of four things, right? One is the defense of private property, having a private property kind of based economy rather than with planned enterprises of the state or state-owned property. You would also have, you know, it would be decentralized, and it is a kind of, I would say, it's sort of regional enterprise, right? And local enterprise is the one that is given, are the ones that are given the opportunity to thrive, right? So we may say that, and I think the distinction between this and kind of free market, as it were, is that when we think of kind of free market ideas in the way that they are conceptualized, these are generally conceptualized in the context of industrialized societies. These are also in which a strong framework for law to operate, in which markets are kind of guided to operate in a certain way, right? And that is something that in the Swatantra vision is not something that's really emphasized or really thought through very carefully. And so free economy, it's more of a keyword, like uniting diverse varying visions rather than a coherent ideology in that sense. The other point is about kind of
neoliberal. Now, there's, of course, a huge debate about is there really anything that is neoliberal or is it just liberal and all of that. And without getting too much into that, what I do want to say is that there is a theorization of, you know, how to design ideal markets to protect them from, you know, to guide them legally to obey in a certain, or to work in a certain way, that Quince Labordian and others have written about. Now, that is sometimes used, you know, out of context and thought of to be, you know, project of whatever people don't like since the 1980s, the rollback of socialist and welfare states, and it's sort of used imprecisely. But insofar as we can locate the origins of these ideas in the interwar period and how they're institutionally organized in the Mont Pelerin Society of Hayek and Friedman, these are people who are invested in disseminating ideas after the triumph of Keynesianism. And they call their work a project to be a rebirth of liberalism in, for the, you know, mid-20th century. And in Mese Kain Logo, they are kind of in touch with the people who are involved in the Swatantra Party. But what I would say is that there are a number of things in their policy kind of toolkit, like free versus floating exchange rate, global free trade, and also the, you know, thinking of economics as free from politics in certain ways. These are not very important at all to those people who are interested in free economy. So, ये थोड़ा अलग है. So, अगर मैं इसे थोड़ा सा हिंदी में समराइज करूं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उस समय की जो प्लान्ड इकोनॉमी बन रही थी, जो मेन मॉडल था, उसके सामने एक उसका एक अलग अल्टरनेटिव जिसे हम जिसे उन्होंने फ्री इकोनॉमी कहा, मोर और लेस वो उसके सेंटर में था ऐसे. और वो कुछ चीजें ले रहे थे जो लिबर्टेरियन विचारधारा से भी आ रही थी, बट सब चीजें वहां से नहीं आ रही थी, वो और भी चीजें मिला के जो फ्री इकोनॉमी कह रहे थे उसे बना रहे थे, राइट? तो इससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आदित्य, जो एक कॉमन फीचर है इन सब लोगों में, जैसे मीनू मसानी आपने बोला पहले सोशलिस्ट थे, फिर बन गए लिबर्टेरियन या फ्री इकोनॉमी वाले, वैसे ही लोटवाला की भी कहानी कुछ ऐसी है, पहले आपने बताया सोशलिस्ट थे. तो ये क्या हो रहा है उस टाइम पर? मुझे जहां तक लगता था शायद 1957-58 में ये होना चाहिए था, क्योंकि तब सेकंड प्लान आ गया था और लोगों को पता पड़ गया था भाई ये 58 में तो एक्सचेंज रेट रेगुलेशंस भी आ गए थे, तो तब तक लोगों को समझ में आ गया था कि यार प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके का कंट्रोल काम नहीं कर रहा है. लेकिन ये ओरिजिन तो 1950s में ही हो जा रहा है, तो क्या उस वक्त क्या चीजें हो रही थी कि लोग बदल रहे थे? कुछ लोग जो सोशलिज्म से इतना ट्रस्ट आ गए थे कि वो खुद की पार्टी भी बना रहे थे, और इसका नाता लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी है क्या, क्योंकि वो 1950 में होता है और शायद वो रिफॉर्म से भी कुछ लोग खफा होंगे, तो ये कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं क्या 1950s में ही क्यों ओरिजिन हुआ? तो कई चीजें हो रही थी इस टाइम पे, राइट? सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 जो था ना, और सेकेंड फाइव ईयर प्लान के दौरान there was an idea that look, अगर हमको प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट, स्केर्स रिसोर्सेस को दूसरी तरीका से एलोकेट करना है इन अ वेरी डिलिबरेट वे, राइट? और इसका इनके इम्प्लीकेशंस हैं दैट प्राइवेट सेक्टर एक्टर्स, राइट, विल हैव टू नाउ डील विथ द स्टेट इन वेरियस वेज, वेदर दैट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन, whether that means that अगर आपको you know business चलना है तो permit लेना है, foreign exchange लेना है तो license लेना है, और इससे पहले ये सब नहीं था, so it's frustrating, right? You have to deal with these things. I mean there may be a greater good in terms of industrialization, but and then agrarian India में okay 1951 में तो जमींदारी की abolition हुई, मगर बात ये भी था कि they in the and other states where there was not zamindari, they were रायतवारी स्टेट्स और महलवारी स्टेट्स, वहां भी लैंड रिफॉर्म का करने के लिए कई प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, और देयर वाज आल्सो दिस आइडिया अबाउट कोऑपरेटिव फार्मिंग, और लोगों को ये पता नहीं था कि क्या लैंड सोशलाइज्ड होगा और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन व्हाटएवर नॉट कल्टिवेशन होने वाला है या फिर और कुछ, विल इट बी लाइक चाइना और विल बी लाइक डेनमार्क, पता नहीं था, राइट? और कम्युनिज्म भी बहुत ताकतवर आइडियोलॉजी थी इस टाइम पे, राइट? सो
at this point, changes are taking place in people's economic lives, and the implications of kind of progressive socialist ideology writ large on political economy projects are starting to be manifested. And so people are thinking, are recognizing that, you know, it's one thing to talk about revolution and this sort of thing and equality for all, but how that actually will come across means that, yeah, all of a sudden, you know, the pie will not be so large for me, right? And that, for vested interest, you know, Minu Masani, bahut the elite gentleman hai, Ranchod Das Lotwala, ek bade flour mill ka malik hai, London mein rented apartment hai uske paas, right? Like, you know, wo newspapers ko bankroll karta hai. So this is something that starts to become, you know, when you're protesting the British Raj, any progressive ideology is great, right? But when things kind of come home and things start to be concrete, tab to people start to change their opinions. Ideas tak theek tha, lekin jab sachchai ghar par aa gayi to log sochne lage ki yaar ye implement kaise hoga, aur tab shayad kuch log badal gaye aur wo sochne lage ki thoda pause lena chahiye ye mission par. To theek hai, aage badhte hain. To Aditya, aapne kaha ki ye party ko ज्यादा समर्थन नहीं था इनिशियली, लेकिन जैसे कि आप लिखते हैं 1967 तक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, 44 सीट है इनके पास, तो मतलब तब तक आते आते उन्होंने कोलिशन फॉर्म कर लिया होगा जो कि सिर्फ एलीट तक नहीं है, सीमित नहीं है, अलग अलग लोगों तक पहुंच रहा है. तो ये उन लोगों ने कैसे किया, किस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि ये सेकेंड टू कांग्रेस आ रही है? ये बहुत ही दिलचस्पी बात है एक्चुअली. सो स्वतंत्रता का प्राथमिक महत्व चुनावी नहीं है, बल्कि इसका उद्भव हमें उस काल के भारत के बारे में क्या बताता है. फिर भी ये एक चुनावी ताकत बनने में कामयाब रही, राइट. सो 1962 में इसने लोकसभा में 20 सीट जीती, राइट, और 1967 में 44 सीट, यू नो, किसी भी अन्य विपक्ष दल के अधिक सीटें जीती, राइट, समथिंग. और तीन राज्यों में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में, आधिकारिक विपक्ष भी बनाया, राइट. हाउ डिड दैट हैपन, राइट? सो मुझे लगता है कि सो द टू थिंग्स, आई थिंक एक जो चीज है ना कि पार्टनरशिप्स इन द हिंदी बेल्ट विथ द महाराजास एंड जमींदार्स हु वर फेड अप विथ लैंड रिफॉर्म, राइट, एंड बिलीव दैट, you know, socialism needed to be rolled back, right? So Rajasthan mein Maharani Gayatri Devi aur kai aur kind of smaller princes, kyunki ye jo the biggest princes, right, I mean not Maharani Devi but her husband and whatnot, but and the others, they had a relationship to Congress party that they had to manage, right? But smaller ones, you know, were part of Swatantra. Gujarat mein पाटीदार लोगों की सपोर्ट थी, मगर पाटीदार वर स्टिल इन द मेन फ्रेम पार्ट ऑफ द कांग्रेस, मोरारजी देसाई कांग्रेस. सो वहां पे सौराष्ट्र की क्षत्रिय सभा से और यू नो दूसरी काइंड ऑफ प्रिंसली एरिया से दे गॉट देयर सपोर्ट. एंड सो बेसिकली एंड देन सिमिलरली इन आंध्र प्रदेश इट्स अ सॉर्ट ऑफ लार्जर लैंड ओनर्स दैट दे गेट देयर सपोर्ट फ्रॉम. सो बात यह है कि डिस्कोर्स अलग है और वोट बैंक स्टोरी अलग है, राइट. Whereas the, and so this is, but this is exactly what I said earlier, right? Humne jo kaha tha na ki for the free markets in 1960s India, for this to party to actually have an impact, so bahut hi broad-based or at least interest-based broad coalition, broad tent coalition banna chahiye tha, right? And they kind of had point of overlap, which is around private property rights. So इस दौरान आदित्य, इन लोगों ने ये भी किया कि ऐसे कुछ केसेस फाइल किए कांग्रेस के अगेंस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट अबॉलिशन जो कि फंडामेंटल राइट था, फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, वगैरह वगैरह. तो इन सब चीजों में भी स्वतंत्रता पार्टी का कुछ प्रमुख इन्वॉल्वमेंट था कि ये इस पे डील नहीं कर रहे थे उस वक्त? जी, दो दो चीजें इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ. एक जो है ना कि बहुत कामयाब भी नहीं रहे, मगर स्वतंत्रता पार्टी ने बहुत सारे मोबिलाइजेशन अटेम्प्ट्स किया, राइट. और किताब में आई गो इनटू सम ऑफ दोस, एंटी इन्फ्लेशन डे, एंटी एक्सेस टैक्सेशन डे, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल काइंड्स ऑफ विजुअल लिटरेचर अराउंड
whatever मध्यम वर्ग जनता राइट कॉमन मैन व्हाट्स हैपनिंग. मगर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स राइट बहुत ही कम था. और ये इंडिया के जैसे देश में 1960s में मिडिल क्लास क्या थी, स्मॉल काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ पीपल हु आर यू नो एम्प्लॉयड इन वेज यू नो सैलरीड लेबर और ग्रोइंग ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स विद यूनिवर्सिटी डिग्री राइट. देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ डेफिसिट इन दैट सेंस. मगर फिर भी देयर वाज अ लॉट दैट स्वतंत्रा डिडंट डू. सुप्रीम कोर्ट में ना तो टू वेरी इंपॉर्टेंट केसेस दैट स्वतंत्रा एक्चुअली मेंबर्स रेज्ड राइट एंड द स्वतंत्रा लॉयर इन वन केस उस बिधानी पालकी वाला डिफेंडेड. एक ये जो आर सी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया राइट विच इज अबाउट बैंक नेशनलाइजेशन राइट एंड अबाउट कॉम्पनसेशन टू शेयर होल्डर्स. वेरी सक्सेसफुल केस, एवरीबडी काइंड ऑफ स्टडीज इट इन लॉ स्कूल्स एंड इन टर्म्स ऑफ यू नो लिमिट्स ऑन द स्टेट्स राइट टू टेक ओवर private property without compensation, right? The market rates. And dusri cheez, this privy purses case, which is again struck down. And even though the name of the person is Sindhya, who, you know, is named on the court, the case name, people who actually get Sindhya to sign on are R.C. Cooper, Minu Masani, Palkiwala. So it's important. This is an important period of Indian constitutional history, jab Supreme Court, you know, is checking the power of the executive. Right, and we don't see too many examples of that in the history of the Supreme Court in India from the 40s to the present. Right? सही है. सौरभ आप कर दो एक एक्सेस टैक्सेशन डे के ऊपर एक मार्च निकालो आप, हम ज्वाइन करेंगे आप. मेरे को कुछ राजा वाजा ढूंढने मेरे साथ में पार्टिसिपेट करने. हाँ आप लोग आएंगे, 15 लोग आ जाएंगे और पुलियाबाजी के लिसनर्स भी आ जाएंगे इसके लिए. लेकिन मतलब उस वक्त पर एक्सेस टैक्सेशन डे पर एक पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज करी थी, क्या जबरदस्त बात है. मतलब अभी भी मतलब सोचना मुश्किल है आज के परिप्रेक्ष्य में. लेकिन आगे बढ़ते हैं आदित्य. तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्रता पार्टी की, तो सी राजागोपालाचारी की बात तो करनी पड़ेगी. प्रमुख लीडर थे जिन्होंने स्थापित की ये पार्टी, और उन्हें काफी लोग हमारे लिसनर जानते होंगे कि राजागोपालाचारी जी ने जो लाइसेंस एंड परमिट राज है इस टर्मिनोलॉजी को पॉपुलराइज किया, इसके बारे में काफी बात की, और लोगों ने पढ़ा भी होगा उन्होंने महाभारत वगैरह के ट्रांसलेशंस लिखे थे. लेकिन आप ये बताइए ना कि राजागोपालाचारी इस विचारधारा से कैसे जुड़ गए जो कि फ्री इकोनॉमी वगैरह की बात कर रही है. तो वो तो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, या मुझे नहीं लगता वो हायक के बहुत पेपर्स पढ़ रहे होंगे यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी वगैरह वगैरह. तो किस तरीके से वो जुड़ गए इस विचारधारा से? बात ये है कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, मगर 1920s 1930s से इन चीजों में का ऑब्जर्वर था, क्योंकि इनफॉर्मल थिंकर. और ये मेरी किताब की आई गेस मेजर प्रीऑक्यूपेशन है कि हाउ डू पीपल हु आर नॉट इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट द इकोनॉमी. ठीक है. और वो लॉयर था राइट, वकील था, एंड ही रिप्रेजेंटेड पीपल इन लॉट्स ऑफ केसेस. ही वाज ऑब्वियसली वेरी क्लोज इंटीमेट एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, एंड सो दिस इज समबडी. एंड ही लिव्ड अ गुड लाइफ अंटिल ही जॉइंड द यू नो अंटिल ही जॉइंड गांधी इन द फ्रीडम मूवमेंट. ही वाज अ काइंड ऑफ वेल टू डू लॉयर फ्रॉम द टाउन ऑफ सेलम एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग राइट. तो राजगोपालाचारी इज समबडी हु learned a lot of things on his own, an autodidact, right? So he wrote a book on chemistry for on the Thinnai, which is like a, you know, I suppose veranda in Tamil, right? He wrote a book on which he you know translated from English. Wo physics ke upar he wrote a book called Tamil Mudiyuma, is it possible in Tamil, which is a sort of challenge to himself. So he's really somebody who's, you know, he decided to take up the cause of prohibition fearlessly and wrote all these not very good short stories about prohibition ke upar, right? So, magar ye hum dekh sakte hain ki 1930s se there is a kind of implicit commentary on economic change in terms of in the stories he writes primarily about anti-intouchability and and prohibition, right? And similarly, jab wo he became premier of Madras 1937 mein, he wrote about how to administer the state, and he translating some of the Thirukkural, those sections, and also he wrote about
how to pursue a good citizenry life. And in that, do you have some observations about the risk of corruption of the bureaucrat and corruption of the state because of its excessive presence, right? So us foundation se he kind of developed ideas about political economy. When he became Premier of Madras in 1952, Chief Minister of Madras, unhone food controls ko abolish kiya, right? Or he set about balancing his budgets, right? Which again led to his downfall because he ended up pursuing his hereditary education scheme to save money, but it ended up kind of reifying caste differences. They can see the Dravidian. ये थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे. हाँ, yeah. So हाँ. basically, वो I suppose deficit को address करने के लिए उन्होंने सोचा कि why don't we double the number of students who can go to school, but half the number of hours of school. Right. So in other words, you're increasing school enrollment, but you're cutting. You're not increasing your costs. So other than you go and pursue your hereditary occupation. And this is also consistent with Rajagopalachari ki dusri initiatives, like he drew 1/4 of the required salary for himself, right? He kind of eliminated excess positions, etc. So on the one hand, ye bahut hi fiscally innovative policy hai, magar dusri roop se it's quite regressive, right? Because what it means is that those who are Brahmins, like Rajagopalachari himself, will be able to, you know, spend half the day learning, doing whatever, doing nothing perhaps. But those who are coming from, you know, communities that traditionally pursue manual labor or scavenging and this sort of thing will have to do that. And so this is something that E.V. Ramaswamy Periyar, the great rationalist and leader, father of the Dravidian movement, kind of creates vast protests about. And this is something that is Rajagopalachari's rival of the Congress party, K. Kamaraj, seizes upon, and Rajagopalachari government is brought down and, you know, Kamaraj comes to be. So this is when, you know, Rajagopalachari goes into exile and he kind of reinvents himself as an economic affairs commentator. So he starts to write Kalki mein or Swarajya mein, Swarajya Angrez mein or Kalki Tamil mein, and turns his animus against this kind of Nehruvian states moving away from regional politics. Or is time pe he starts to learn about political economy. Or is time pe he also comes in contact with the Indian libertarians and also with ek arthashastri, iska naam B.R. Shenoy hai. B.R. Shenoy, whose work has been collected by Parth Shah and others, ek free market economist the, jo Gujarat mein sikha rahe the, actually no, Gujarat University, yeah. In Ahmedabad mein, aur wo you know, Austrian economics mein bahut hi kind of, I suppose, padhai kiya, aur phir he was, you know, interested in a constituency for that in India, aur unhone patrachar se Rajagopali ko thoda sikhaya arthashastra ke upar. Aur aapne kahin to bola tha na, B.R. Shenoy is very famous in Sri Lanka, right? Like for his economic ideas. And that's right, kyunki wo 1960s ya 1970s mein unhone ek policy recommendation for reform of Ceylon, at the time it was known, kiya tha, and that was later adopted in the 80s. Aur Ceylon mein jaake he wrote about how to create a central bank for Ceylon. So wahan pe wo bahut hi kind of मशहूर आदमी है. मुझे आपको एक और सवाल पूछना था सी राजा गोपालाचारी के बारे में ही, क्योंकि जैसे आपने थोड़ा सा बीच में बताया था ना कि जब हम सोचते हैं बदलाव के बारे में तो थियोरी में तो सब आइडियलिस्टिक चीजें बड़ी अच्छी लगती है, और जैसे ही उसको प्रैक्टिस में आता है तो थोड़ी सी एक सच्चाई और निकल के आ जाती है, राइट? तो मुझे लगता है कि इवन स्वतंत्र पार्टी के बारे में जो आपने अपनी किताब में लिखा है उसमें भी मुझे लगता है एक प्रकार की एक डाइकोटॉमी थोड़ी सी दिखाई देती है, राइट? क्योंकि कुछ चीजों के बारे में तो वो बहुत ऐसे बहुत ही आइडियलिस्टिक चीजें बोल रहे हैं ना कि राइट टू प्रॉपर्टी और ऐसी चीजें, राइट? बट जब सी राजा गोपालाचारी ने जब हिंदू लॉ में जो रिफॉर्म आ रहा था जिसमें औरतों को वो हक देने की बात आई कि उनको अभी राइट टू प्रॉपर्टी उनको भी मिलेगा और उनको भी इनहेरिटेंस मिलेगा, तो उन्होंने उसका विरोध किया. तो एक प्रकार से
वो भी एक प्रकार से सोशली काफी सोशली भी कंजर्वेटिव ही हम कहेंगे उनको उस एंगल से, राइट? और शायद ये फ्रीडम, मतलब वो उनकी दिमाग में वो फ्रीडम एक लिमिटेड लोगों का फ्रीडम कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट, और इसमें भी थोड़ा डाइवर्सिटी है पार्टी के अंदर, है ना, कि somebody like Minu Masani was okay with something like this is the Hindu Succession Act. Basically, the woman is able to get half of the ancestral property that her brothers would be entitled to, which is still not much. I mean, it's half. But wo Rajagopalachari aur kahin dusri logo ne, they were very opposed to it because unhone socha tha ki this is destroy the family type of thing and breaks up the social order, right? So social conservatives would be hai, aur Rajagopalachari was also writing in Kalki. Right? Kalki is a fairly conservative sort of magazine at that time. And it elevated, it's of course, it's considered to be very culturally sophisticated, but it represents a particular kind of Brahminical view of the world, right? With respect and Brahminical idea, hegemonic ideas about culture, this sort of thing, the Brahmin appropriation of the Pardhanatyam form of Carnatic music, etc. You can see that in Kalki and Swarajya's pages. तो एक सोशल कंजर्वेटिज्म भी है आई थिंक, बट फॉर अ फिगर लाइक लोटवाला फॉर एग्जाम्पल, राइट, देयर इज ऑल्सो यू नो ही इज समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेसिव लीगल रिफॉर्म फॉर वुमेन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। सो आई थिंक इट्स, हम ऐसे कह सकते हैं कि अंडरनीथ द सर्फेस इट्स मर्की, एंड इन द इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज ऑफ स्वतंत्र पार्टी इट कम्स आउट क्लियरली दैट औरतों के लिए they don't have much, they're not very interested aside from as householder. It's not free economy that the woman is an equal participant in the economy. No, free economy means that look, when you're protesting inflation, bring the women because they buy the vegetables, this sort of thing. So a contradiction, and this is why I think that you know there is a constituency of people. Sometimes we are very, I think it's important to be sympathetic to our historical actors, but hum aisa nahi kar sakte hain ki we cannot take 1950s party and put it in 2024 and say things were so amazing. Then we have to take the good and the bad and read them carefully. बिल्कुल, उस समय के हिसाब से काफी अच्छी थी, पर हम हर चीज को आज के पैमाने पे नहीं आंक सकते। पर उस समय के पैमाने के हिसाब से भी वो पिछड़े, मतलब सोशली शायद पिछड़े ही कह सकते, सॉरी नॉट एवरीवन, अगेन आई थिंक आदित्य उनकी किताब में ये बहुत सारे डिस्टिंक्शन करते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि जब भी मैं पढ़ रही थी ना, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम कोई विचारधारा को पकड़ के हम उसको स्लॉट करें कि ये इसके जैसा है, या आई थिंक इट इज ये जो पर्टिकुलर विचारधारा थी वो थोड़ी अलग ही थी, राइट, एंड उसको किसी एक के साथ एकदम पैरेलल में फिट करना थोड़ा सा तो मुश्किल लगा मुझे शायद ये, पर आई थिंक उसमें शायद इसमें ये बात भी सामने आती कि आदित्य ने अपनी किताब में उनके सारे पहलुओं को बताने की कोशिश की है सो दैट इट इज फ्लैश्ड आउट एंड हम समझ पाए उसको हर तरीके से। आदित्य बताइए, मतलब ये उस समय का एक तरह से जबरदस्त एक्सपेरिमेंट रहा, और कंजर्वेटिव भी थी, जो कि मैं ख्याति से थोड़ा कम इत्तेफाक रखता हूँ कि वो उस, मुझे लगता है कि नेहरू वगैरह उस समय के हिसाब से बहुत ही आगे थे, समाज तो उस समय थोड़ा सा रिग्रेसिव ही था 1950 वगैरह का, और जो हिंदू रिफॉर्म्स हुए लॉ में वगैरह वो शायद समय से आगे थे उस समय के हिसाब से। तो क्या मैं तो ये बोलूंगा कि ये पार्टी को तो और सपोर्ट मिलना चाहिए था जमीन से, जो लोग बोलते अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये कंजर्वेटिव भी है पार्टी, और पर इनको शायद जनसंघ से उतना सपोर्ट नहीं मिला शायद, या उनके साथ में इनका कोएलिशन नहीं बना, जबकि बाद में आप देखें तो आज की डेट में जैसे पिछले कुछ सालों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई ऑपोजिशन की, और अब तो मेन स्ट्रीम पार्टी है, और उस समय वो कहीं भी नहीं थी। तो ये अचानक से कुछ सालों में ये पार्टी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनी और फिर अचानक से ही खत्म कैसे हो गई, कहीं इसमें कुछ ऐसा भी है क्या कि उस समय के एक दो बड़े लीडर राजा जी जैसे जो कहीं नहीं उनको घर मिल रहा था, उन्होंने सोचा कि चलो ये पार्टी मैं कुछ कर सकता हूं, और उन एक दो बड़े लीडर्स के नाम से पार्टी चल गई बजाय आइडियोलॉजी के, और फिर वो लीडर चले गए तो फिर पार्टी अचानक से क्रम्बल कर गई। हाँ जी, ये बात सही है। आई थिंक 1969 में, राइट, कांग्रेस का ये जो स्प्लिट हुआ था ना, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, तो इंदिरा गांधी जी का जो सारा हुआ, इंदिरा गांधी जी और कामराज जी के बीच की लड़ाई। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे ना ये जो हुआ था, this was something that all the vote banks, the conservative section of Congress,
the people who had come to Swatantra temporarily, they went back to the Congress, but they went back to the Congress O, which in 1971 famously, you know, was decimated, right? And then, you know, Congress R of Indira Gandhi becomes the Congress, right? So that is one thing that happens, right? And that the big vote banks of Swatantra kind of leave. The other point is exactly what you say, right? Which is that, and for an ideological party, right, to work, you need to get certain kind of, you know, roots in the ground, which if you, agar aap Swatantra Party ko dekhte hai na, to not even a single leader, except for maybe N.G. Ranga a little bit. This is not a leader. These are not mass leaders. Rajgopalachari never won an election, okay? Except for maybe the Salem, you know, municipality. Minu Masani ran on Jayaprakash Narayan seats in Bihar, and then later on some princely support that was given by some feudal relationships in Gujarat, right? So, Gayatri Devi won the most successful election in the history of democracy, allegedly. But when she asked the subjects, will you vote for us? Or she asked her constituents, will you vote for us? She said, they said, yes, are we not your subjects? So kind of princely ideology, or mode of I suppose, social organization se chal raha tha. So this is a party for which they did not have somebody who could translate the ideology into a palatable mass idiom. Right, and rally things, people around this sorts of group. They try to make content, you know, make a profit off of discontent as it arose. But as you say, yes, it is a kind of amalgam of various sorts of interests. Or job, I mean, ek moment the 1967 where everything went well. Magar uske baad things kind of crumbled. And you know, somebody like Minu Masani is an interesting example because he was. वो जनरल सेक्रेटरी पार्टी का था और वो बिजनेस जैसे चला रहा था सब कुछ एंड ही एक्सपेक्टेड एवरीथिंग टू रन एफिशिएंटली लाइक क्लॉकवर्क बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स एंड सो देयर ऑल दिस एंड सिमिलरली जब उन्होंने बॉम्बे पार्टी मीटिंग्स पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया था ना वो ही डिडंट हैव अ गुड सेंस ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्लेस हाउ पीपल शुड स्पीक सो इट एंडेड अप बीइंग काइंड ऑफ आरकेएन एंड राजगोपालाचारी एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर दिस saying that, look, not that he knew that much better, but he was better in some sense. He reached a wider audience. So, yahi bhi dikkat thi. एक चीज मुझे ये थी कि थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे स्वतंत्र पार्टी और उनके साथ जुड़े जी जो लोग थे वो उसमें से बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से लिख रहे थे पीरियोडिकल्स में जिन्होंने जिसमें आपने भी बहुत सारा रिसर्च किया वगैरह तो क्या वो अलग था उस जमाने की बाकी पार्टी से कि इस प्रकार का जो अपने लीडरशिप के साथ या अपने पोटेंशियल वोटर्स के साथ इस तरह से एक डायलॉग करना या उनके साथ रीच आउट करना इस तरह से क्या ये इनकी खासियत थी कि और भी पार्टियां उस समय कुछ इस प्रकार का सबका अपना अपना चल रहा था थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे हाँ जी हाँ जी तो ये सवाल देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दूसरी पार्टीज के ऊपर यू नो सोशलिस्ट पार्टी एंड हाउ इट रीच्ड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड ऑल इन चीजों के ऊपर बहुत लिटरेचर नहीं है एंड सो यू नो हाउ मच ऑफ स्वतंत्रा व्हाट स्वतंत्रा इज डूइंग इज इनोवेटिव वर्सेस हाउ मच इज ऑफ द टाइम इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ मगर कई चीजों वी नो दैट यू नो कम्युनिस्ट फॉर एग्जाम्पल आर परसुइंग थिंग्स लाइक थिएटर दे हैव वेरियस काइंड्स ऑफ रीजनल लिटरेचर्स in which communist authors are writing, this kind of thing. Magar, in terms of disseminating their ideas or, you know, using the print as much as they could to disseminate ideas rather than, you know, mobilization around inflation, which is something that the communists are also doing, although perhaps not branded in that same way around for as part of a similar project. Ye jo print public sphere ko use karna to kind of punch above your weight, numerically speaking, ये मैं कह सकता हूँ आई थिंक दैट यू नो स्वतंत्रा इज द वन दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स एंड राजगोपालाचारी उसका काइंड ऑफ मास्टर मालिक है राइट बट आई वुड से बाकी भी लोग थे ना गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन लिखते थे इतने पहले और सोशलिस्ट लोगों के पास भी वो जनता नाम की मैगजीन तो कब से चली आ रही थी राइट नो और ये चीज जो मैं बताता हूँ कि देयर इज रिलेटिव लाइक देयर इज अ टेबल इन द बुक वेयर आई शो दैट यू नो ब्लिट्स or you know some of these other magazines of the left are actually the circulation figures काफी ज्यादा हैं and of course if you think of a figure like Gandhi yes Indian Opinion that he's writing
early 20th century is doing well, even if you go back before, if you think about Tilak and Maratha and all of that. Yes, I hear. But I think that what is distinctive, right, in the case of Swatantra is that those other projects, I mean, I wouldn't say Tilak so much, but if you think about Gandhi or something, there is also a mass mobilization component, right, that is quite substantial. But with Swatantra, it's almost that the visibility, in a sense, owes to the print culture in a way in which that for the others, there are other things taking. You have your salt satyagrahas and all of the other things that the Gandhians are doing. But you're right. It is not that the print is unique to Swatantra, but it is that Swatantra is utilizing print, you know, in a way that amplifies it in ways that others are not or do not need to. Basically, intellectual arguments sharp हैं उनके काफी उस sense में, जिस तरह से जो कह सकते हैं intellectual horsepower है स्वतंत्र पार्टी के पास इस तरीके के arguments करने के लिए. सिर्फ propaganda type भी नहीं है ना, मतलब काफी economic और उस तरीके के arguments हैं. Propagandistic भी है मगर pedagogical भी है. हाँ, pedagogical. ठीक, अभी आदित्य, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और हम अपने श्रोताओं से बोलेंगे कि हम किताब को लिंक वगैरह तो करेंगे ही, तो बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छी, जैसा कि डिस्कशन से सबको समझ में आया होगा कि ऐसी कोई हेजियोग्राफी टाइप नहीं है कि सिर्फ एक पुरानी चीज की बढ़ाई करी जा रही है या सिर्फ उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, समझने की कोशिश की गई. और ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि किसी चीज को अच्छी तरह से समझने का कोशिश की गई, उसमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, और सब चीज अच्छा बुरा नहीं होता, हर टाइप का उसको हर तरह से हम देख सकते हैं. और खासकर आपका बहुत शुक्रिया, आपने, हमको मालूम है हिंदी आपकी प्रेफर्ड भाषा नहीं है, फिर भी आपने बहुत बहुत होमवर्क भी किया और बहुत अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करी इस एपिसोड में, तो उसके लिए आपका अलग से शुक्रिया आदित्य. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए पुलियाबाजी@gmail.com पर या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर. शुक्रिया.